नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 9 मार्च। आइए जानते हैं बिहार से जुड़ी 25 बड़ी खबरों को। सबसे पहले हम जानेंगे बिहार की जानी मानी हस्ती के बारे में। आज हम बात करेंगे मगफूर अहमद आजादी की। मगफूर अहमद आजादी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में 1900 में हुआ था। मगफूर अहमद आजादी बिहार के एक भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने महात्मा गांधी के साथ मिलकर देश की स्वतंत्रता के लिए कई सारे काम किए थे। इतना ही नहीं, आजादी ने जिन्ना के दो राष्ट्र सिद्धांत और एक अलग पाकिस्तान के निर्माण का भी विरोध किया था, जिसके तहत उन्होंने जिन्ना की अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का सामना करने के लिए अखिल भारतीय जमुहर मुस्लिम लीग स्थापना की थी और इसके पहले महासचिव के रूप में कार्य भी किया था। मधेपुरा के सामा चकेवा में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। मधेपुरा जिले का सामा चकेवा पर्व काफी प्रसिद्ध है। यह पूरे मिथिला क्षेत्र में प्रसिद्ध है। यह पर्व नवंबर माह के शुरू होते ही शुरू हो जाता है और 8 दिनों तक लगातार चलता है। राज्यसभा सीट की दावेदारी में पीछे छूटे लालू के लाल तेज प्रताप। बिहार के 9 अप्रैल को खाली हो रहे राज्यसभा की 5 सीटों के लिए विपक्ष को 2 प्रत्याशियों के नाम पर सहमति बनानी है, जिसके लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मगर महागठबंधन में अभी भी असमंजस की स्थिति बरकरार है, क्योंकि राजद अपने 2 प्रत्याशी देना चाहता है। उधर कांग्रेस बिहार कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल और अभिनेता व नेता शत्रुघ्न सिन्हा के लिए 1 सीट पर दावा कर रही है। वहीं राजद सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने राज्यसभा में जाने की इच्छा जताई है। हालांकि अभी उनका राज्यसभा में जाना लगभग नामुमकिन माना जा रहा है। महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोशल मीडिया अकाउंट महिलाओं के हाथ। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही जानकारी देकर यह बता दिया था कि महिला दिवस के दिन वह अपना सोशल मीडिया अकाउंट महिलाओं के हाथ में दे देंगे, उन्होंने ठीक वैसा ही किया। बीते रविवार को महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अकाउंट महिलाओं ने चलाया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित महिलाओं के साथ बातचीत भी की। ज्ञात हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले मंगलवार को ही ट्वीट किया था, जिसके तहत उन्होंने कहा था कि इस महिला दिवस को मैं अपने सोशल मीडिया को उन महिलाओं को सौंप दूंगा जिनके जीवन और कार्य ने हमें प्रेरित किया है और आगे भी करते रहेंगी। महिला दिवस पर बिहार की लेडी पैसेंजर्स को मिला बड़ा तोहफा। महिला दिवस के अवसर पर पटना के सिटी बस में महिलाओं को मुफ्त यात्रा करने का मौका मिला। बिहार के परिवहन सचिव संजय अग्रवाल की घोषणा के अनुसार पूरे दिन महिलाओं ने सिटी बसों में निःशुल्क यात्राएं की। इसके साथ ही महिला दिवस के अवसर पर सभी पार्क और जू में भी सभी महिलाओं के लिए एंट्री फ्री कर दी गई थी। फुलवरिया पहुंचे तेज प्रताप यादव पहुंचे पीएमसी अस्पताल में। अपने पैतृक गांव फुलवरिया पहुंचे राजद सुप्रीमो के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने गांव का भ्रमण किया और साथ ही फुलवरिया के पीएमसी अस्पताल का भी दौरा किया, जहां जाकर उन्होंने डॉक्टरों की क्लास लगा दी। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए उन्होंने वहां के डॉक्टरों से कोरोना को लेकर जारी की गई तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही अस्पताल की बुरी व्यवस्था को देखकर उनकी क्लास भी लगाई। तेज प्रताप यादव का यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से ट्रेंड भी करने लगा। मुजफ्फरपुर के पंकज झा के कायल हुए नरेंद्र मोदी। मुजफ्फरपुर के पंकज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की, जिसके तहत उन्होंने पंकज झा की हिम्मत की तारीफ की। साथ ही वहां मौजूद आम लोगों से पंकज झा जैसी हिम्मत दिखाने की अपील की। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, कुछ समय पहले पंकज झा ने एक अप्रिय वाकया के दौरान अपना एक हाथ गंवा दिया था, मगर उनकी हिम्मत आज भी वैसी की वैसी ही है। सड़कों पर उतरे सभी शिक्षकों को सरकार ने दिया एक आखिरी मौका। सड़कों पर उतरे सभी शिक्षकों को काम पर वापस लौटने का सरकार ने आखिरी मौका दिया है। इंटर और मैट्रिक परीक्षा की कॉपी जांच की समीक्षा के दौरान शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आरके महाजन ने साफ कर दिया कि अगर सड़कों पर उतरे सभी नियोजित शिक्षक मैट्रिक कॉपी के मूल्यांकन का हिस्सा बनते हैं तो उनके होली तक की सैलरी नहीं रोकी जाएगी, बल्कि सभी शिक्षकों को उनका पैसा मिल जाएगा। लेकिन अगर सभी शिक्षक अपनी मांग पर भी अड़े रहते हैं तो सरकार का आदेश भी आखिरी है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि अगर किसी भी नियोजित शिक्षक ने मैट्रिक के कॉपी के मूल्यांकन में शामिल होने वाले शिक्षकों को रोकने की कोशिश की तो सरकार उन पर और ज्यादा सख्ती से पेश आएगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बीते कई दिनों से सभी शिक्षक समान काम समान वेतन की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। जहां एक तरफ शिक्षक अपनी मांग पर अड़े हैं तो वहीं दूसरी तरफ सरकार अपने फैसले पर अड़ी हुई है। बिहार में 60 डीएसपी की गई प्रतिनियुक्ति। होली में बिहार में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार ने पहले ही सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियों को कैंसिल कर दिया था। इसके साथ ही अब सरकार ने विभिन्न जिलों में 7 डीएसपी की प्रतिनियुक्ति की है, जिसके तहत पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक ओम प्रकाश को कटिहार, अजय कुमार को किशनगंज, दिलीप कुमार को बाढ़, अरुण कुमार सिंह को दानापुर, जावेद अंसारी को गया जिले के नीमचक बथानी, विनय कुमार को सीतामढ़ी जिले के बेलसंड और संजय कुमार को सारण जिले के मढ़ोरा में प्रतिनियुक्त किया गया है।
अपने जन्मदिन पर सज धज के निकली भागलपुर एक्सप्रेस। भागलपुर एक्सप्रेस के 43वें जन्मदिन के शुभ अवसर पर भागलपुर वासियों ने दिल्ली तक जाने वाली भागलपुर एक्सप्रेस का जोर शोर से जन्मदिन मनाया, जिसके तहत DRM यतेंद्र कुमार ने सबको केक खिलाया। इसके बाद वहां मौजूद सभी अधिकारियों ने ट्रेन के लंबी उम्र की मनोकामना भी की। वहीं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, विक्रमशिला एक्सप्रेस 7 मार्च 1977 को पहली बार पूर्व बिहार के यात्रियों को भागलपुर से लेकर नई दिल्ली तक गई थी। तब इसमें 12 कोच थे और यह कोयले से चलती थी। 1980 में यह ट्रेन पटना जंक्शन से नई दिल्ली आने वाली मगध एक्सप्रेस के साथ जुड़कर चलने लगी। इसके बाद तब से लेकर अब तक भागलपुर एक्सप्रेस पटना वासियों को दिल्ली और दिल्ली वासियों को पटना की सैर करवाती है। महिला दिवस के अवसर पर बिहार के राज्यपाल से लेकर सभी बड़े नेताओं ने महिलाओं को दी शुभकामनाएं। महिला दिवस के अवसर पर बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने राज्य एवं देश की सभी महिलाओं को शुभकामनाएं एवं बधाई दी, जिसके तहत उन्होंने कहा कि राज्य के समग्र प्रगति में महिलाओं की अग्रणी भूमिका रही है। ज्ञान, विज्ञान, कला, संस्कृति, साहित्य, जीवन के हर क्षेत्र में नारियों की उपलब्धियां अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। केंद्र एवं राज्य सरकार भी महिलाओं की बहुमुखी प्रगति हेतु विकास एवं कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है। राज्यपाल के अलावा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी सभी नारी शक्ति को अपनी शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि हम सभी को महिलाओं की सुरक्षा और उनकी सम्मान सुनिश्चित करनी चाहिए, ताकि वे बिना रुके अपनी इच्छानुसार जिंदगी जी सके। चिराग पासवान ने सड़कों की हालत देख उठाए सरकार पर सवाल। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट यात्रा पर निकले चिराग पासवान लगातार सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में सिवान पहुंचे चिराग ने एक बार फिर अपने ही सरकार के खिलाफ बयान जारी किया है। बिहार की सड़कों की खराब स्थिति को देखकर उन्होंने सरकार को खूब सुनाया। चिराग पासवान ने कहा कि सड़कों की ऐसी स्थिति के लिए राज्य सरकार जिम्मेवार है। बेहतर सड़कों का निर्माण करना राज्य सरकार की जिम्मेवारी है और इसके लिए केंद्र सरकार से बेहतर तालमेल बनाने की जरूरत है, जिसकी कमी राज्य सरकार में साफ तौर पर दिख रही है। इंटरमीडिएट परीक्षा 2020 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर की हुआ जारी। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा 2020 में पूछे गए सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर की जारी कर दिया गया है, जिसके तहत बिहार बोर्ड ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर एक अधिसूचना भी जारी कर दी थी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि सभी परीक्षार्थी बिहार बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाकर आंसर की देख सकते हैं। साथ ही अगर किसी परीक्षार्थी को किसी आंसर से कोई समस्या है तो वह अपनी समस्या का सुझाव 11 मार्च तक बिहार बोर्ड को भेज सकते हैं। गया में रंगों से सराबोर हुए विदेशी। बिहार के गया जिले में होली के आने से पहले ही होली की चहल पहल देखने को मिली, जिसके तहत गया में रंगों के इस उत्सव को मनाते हुए विदेशियों को भी देखा गया। इतना ही नहीं, बोधगया में होली के मौके पर विभिन्न स्कूल, मंदिरों और अन्य संस्थानों में होली मिलन समारोह की धूम देखी गई, जिसके तहत जगन्नाथ मंदिर परिसर में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय महिलाओं, विदेशियों और अन्य पर्यटकों ने जमकर रंग गुलाल लगाकर होली मिलन समारोह में शिरकत किया। साथ ही साथ इस होली मिलन समारोह में महिलाओं के द्वारा एक से बढ़कर एक होली गीतों की प्रस्तुति भी देखने को मिली। बीपीएससी ने असिस्टेंट इंजीनियर पद के लिए निकाली रिक्तियां। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट पदों के लिए कुल मिलाकर 31 पदों पर रिक्तियों की मांग की है। इन पदों के लिए अगर हम शैक्षिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास बीई या बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग का होना अनिवार्य होगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 25 मार्च तक आवेदन भर सकते हैं। साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। बिहार नेपाल की सीमा पर हो रही कोरोना की स्क्रीनिंग। देश भर में कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए बिहार सरकार अब पूरी शिद्दत के साथ काम करने में जुटी हुई है, जिसके तहत बिहार सरकार ने बिहार और नेपाल की सीमाओं पर कोरोना को लेकर स्क्रीनिंग की प्रक्रिया जारी कर रखी है। वहीं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बिहार सरकार कुल मिलाकर 49 जगहों पर स्क्रीनिंग करवा रही है। इतना ही नहीं, बाहर से आने जाने वालों पर भी खास निगरानी रखी जा रही है। वहीं बिहार की बात करें तो गया में आने वाले पर्यटकों की भी खास जांच की जा रही है। इतना ही नहीं, सरकार ने गया एयरपोर्ट पर विदेशी देशों से आने वाले पर्यटकों को फिलहाल दिया है। इसके साथ ही कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भारत के सभी राज्य अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद के लिए पटना से शुरू हुई नई विमानों की सेवा। पटना से मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद जाने वाले यात्रियों के लिए अहम सूचना। पटना एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए 54 विमानों का नया शेड्यूल जारी किया है, जो कि 28 मार्च तक प्रभावी रहेगा। इसके लिए पटना से हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु के लिए एक एक जबकि कोलकाता के लिए 2 फ्लाइट है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, जारी शेड्यूल के बाद अब आम नागरिकों की हवाई सेवा और ज्यादा आसान हो जाएगी। अब आम नागरिकों को कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई जाने के लिए विमान को बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अब चले बढ़ते हैं मौसम की खबरों की ओर। ठंड के असर के खत्म होते ही अब कई जगहों पर बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। ऐसे में आइए जानते हैं मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या कहता है। अरवल, सारण, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, छपरा, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर में धूप निकलने के कारण ठंड का असर सामान्य रहेगा। वहीं कुछ जगहों पर बादल छाने की भी संभावना है। तो वहीं मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, जहानाबाद, शिवहर में दिन भर धूप निकलने की संभावना है। वहीं हवा के चलने की वजह से बादलों का आना जाना देखा जा सकता है, साथ ही कुछ जगहों पर बारिश भी हो सकती है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 8 मार्च को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 40,610 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 41,600 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 49,500 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 75.64 रुपए प्रति लीटर थी। वहीं डीजल 68.33 रुपए प्रति लीटर था। अपने निर्धारित समय पर ही आईपीएल का होगा आयोजन। कोरोना को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एडवाइजरी के बाद बीसीसीआई के लिए इस महीने होने वाले भारत दक्षिण अफ्रीका सीरीज और आईपीएल के आयोजन पर संशय की स्थिति बनी हुई थी। हालांकि बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि यह सिर्फ सलाह है, आदेश नहीं। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली, पूर्व अध्यक्ष सीके खन्ना समेत कई अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा है कि फिलहाल इन दोनों प्रतियोगिताओं के आयोजन में कोई समस्या नहीं है। अगर कोरोना का असर और सरकार का दबाव बढ़ता है तो मैच खाली स्टेडियम में करवाया जाएगा। सनी लियोनी का जिम वाला वीडियो कर रहा है ट्रेंड। डांस नंबरों और फिल्मों के अलावा सनी लियोनी अपने फिटनेस के लिए भी जानी जाती है। वह बॉलीवुड की सबसे फिट सेल्ब्स में से एक है और हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने जिम की कसरत करते हुए एक वीडियो शेयर की है। कैप्शन में उन्होंने लिखा है कि हर कोई हमेशा परफेक्ट वर्कआउट को दिखाता है, वैसे यह हकीकत है, बाहर काम करना मुश्किल होता है। पहली बार ऐसा करते हुए बेहतर हो जाऊंगी, मेरे बॉडी को शेप देने के लिए धन्यवाद। वीडियो के शेयर होते ही सनी के सभी फैंस ने उस वीडियो को काफी ज्यादा पसंद भी किया। रिलायंस जियो ने 350 GB डेटा प्लान के साथ लॉन्च किया अपना नया प्लान। रिलायंस जियो ने एक बार फिर से अपने बंद किए गए 4,999 रुपए वाले लॉन्ग टर्म प्लान को लॉन्च कर दिया। हालांकि नए लॉन्च किए गए प्लान में यूजर्स को 360 दिनों की वैलिडिटी तो मिलेगी ही, लेकिन डेटा और कॉलिंग में बदलाव देखने को मिलेगा, जिसके तहत यूजर्स को अन्य नेटवर्क पर कॉल करने के लिए 12,000 मिनट फ्री कॉलिंग ऑफर की जा रही है। इस प्लान की वैलिडिटी 360 दिनों की होगी, यानी यूजर्स इन फ्री मिनट्स का यूज पूरे एक साल के लिए कर सकेंगे। इनमें यूजर्स को 350 GB हाई स्पीड डेटा ऑफर किया है, जिसमें बिना किसी डेली लिमिट के इस्तेमाल किया जा सकता है। राजगीर समेत 4 शहरों के मास्टर प्लान्स की घोषणा होगी जल्द। सभी आम नागरिकों के लिए अहम सूचना। पटना के बाद अब राजगीर, बिहार शरीफ, बेगूसराय और छपरा शहर का मास्टर प्लान जल्द ही अपने अंतिम चरण पर पहुंच जाएगा। खबरों की माने तो इन 4 शहरों के मास्टर प्लान्स की जिम्मेदारी नगर विकास व आवास विभाग के पास है, जिसने यह साफ कर दिया है कि शहरों का मास्टर प्लान कंसल्टेंसी के माध्यम से तैयार करवाया जा रहा है। विभाग की योजना है कि अगले वित्तीय वर्ष के शुरुआत में ही मास्टर प्लान को फाइनल कर दिया जाए। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, राजगीर समेत 4 शहरों के मास्टर क्लास को तैयार करने के लिए बिहार सरकार ने कुल मिलाकर 60 करोड़ की राशि खर्च की है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने विपक्षी दलों पर कसा तंग। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी इन दिनों बिहार विधानमंडल में सरकार का पक्ष रखते नजर आ रहे हैं। इसके तहत वह लगातार विपक्षी दलों द्वारा उठाए जा रहे हर सवाल का जवाब भी बेबाक तरीके से दे रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने हाल ही में गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने के मुद्दे पर विपक्षी दलों पर तंज कसा है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार ने गांव में बिजली पहुंचाकर किसानों को लालटेन युग से बाहर लाने के बाद अब कृषि के लिए अलग फीडर लगा रहा है। इससे सिंचाई पर खर्च कम होगा और किसानों की आय बढ़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने पहली बार बिहार में किसान पंचायत लगाई है और कृषि रोडमैप लागू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुना करने के लिए कई योजनाएं शुरू की है। वहीं राजद और कांग्रेस ने अपने 15 साल में किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया है। 13 मार्च तक मौसम का मिजाज रहेगा कुछ ऐसा ही। कुछ ही दिनों में होली आने वाली है, ऐसे में सबकी नजर होली के दिन के मौसम पर बनी रहेगी। वहीं मौसम विभाग ने होली को लेकर अपना पूर्वानुमान जारी करते हुए यह बताया है कि 13 तारीख तक बिहार के कई जिलों में बारिश होने की संभावना है, यानी कि कई जगहों पर होली के दिन भी बारिश हो सकती है। वहीं बारिश होने के साथ ही तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे एक बार फिर से हल्की ठंडक महसूस हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है। बंगाल की खाड़ी में नमी आ रही है, जिसके कारण बारिश की संभावना बढ़ गई है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया था,
उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स का कमेंट हमें अच्छा लगा उनमें है संजय कुमार, दिनेश कुमार अंबानी, कुंवर सिंह, बम बम कुमार, विकास कुमार, गोविंद कुमार, मुर्शीद आलम, ब्रजकिशोर कुमार, किशोर राज, अमित कुमार, शंकर यादव, विकी कुमार, पीयूष सिंह। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार रोजगार को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार को कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।